इरेसिबल, लायन हार्टेड, बाय एंड बाय, स्क्वेबल, आइडल अवे, होप अगेंस्ट होप, बी एट ऑड्स, इन द डार्क ऑफ नाइट्स, स्लिप समबडीज माइंड। तो यस गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ फ्रेजेस, कुछ idioms और कुछ वर्ड्स के बारे में। हमारा पहला एक वर्ड है लायन हार्टेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि शेर दिल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बहादुर है या फिर वो किसी से भी नहीं डरता है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो लायन हार्टेड है। आई लाइक योर लायन हार्टेड नेचर, मतलब तुम्हारा जो शेर दिल भरा व्यवहार है या फिर तुम्हारी जो शेर दिल भरी प्रकृति है, मुझे वो पसंद है या फिर मुझे वो अच्छी लगती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहते हो, न्यूज़ वोकैबुलरी या फिर idioms और फ्रेजेस, मुझे कमेंट करके बताएं। होप अगेंस्ट होप एक idiom होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होना कि ऐसा होना चाहिए लेकिन आप जानते हो कि ऐसा होने नहीं वाला, तो ऐसे सिचुएशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। दे आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप दैट ही इज स्टिल अलाइव, मतलब सामने जो भी पर्सन है वो मर चुका है। हर कोई यही जानता है कि वो सामने वाला मर चुका है, लेकिन वे लोग अभी भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन की या फिर एक ऐसी कंडीशन की उम्मीद कर रहे हैं कि जो नहीं होने वाली है। अगला एक वर्ड है इरेसिबल, एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि चिड़चिड़ा है या फिर बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला है या फिर उस पर्सन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो इरेसिबल है। फॉर एग्जांपल, योर सन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इरेसिबल एज ही ग्रोज अप, मतलब तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है या फिर वो एक ऐसा इंसान बनता जा रहा है कि जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है कि तुरंत या फिर ठीक बाद, ये एक फ्रेज होती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ बाय एंड बाय व्हेन यू अराइव्ड, मतलब जैसे ही तुम पहुँचे या फिर जैसे ही तुम आए तो जो लाइट थी वो ठीक तुरंत बाद चली गई। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है स्क्वेबल, ये एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी मोटी बातों पर बहस करना या फिर लड़ाई करना। फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज स्क्वेबल्स अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, मतलब वो छोटी मोटी बातों पर हमेशा झगड़ा करती है या फिर बहस करती है या फिर लड़ाई करती है। बी एट ऑड्स एक idiom होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर असहमत होना, उससे सहमति ना रखना या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कोई पर्सन है उस पर्सन से आप सहमत नहीं हो, तो उस सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। शी इज़ ऑलवेज एट ऑड्स विद मी, मतलब वो हमेशा मेरी बातों में सहमत नहीं होती है या फिर अपनी अपनी करती है, जो भी मैं बात कहता हूँ उस चीज़ को वो अग्री नहीं करती या फिर उस चीज़ के लिए वो सहमत नहीं होती। सेकेंड टू नन एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ या किसी पर्सन को सेकेंड टू नन कहते हो तो मतलब वो जो पर्सन है या फिर वो जो चीज़ है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अलग है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। तो जैसे एग्जांपल है, द लव यू शावर ऑन माई चैनल इज सेकेंड टू नन, मतलब जो भी प्यार आप मेरे चैनल पर दिखाते हो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है या फिर वो सबसे अलग है या फिर उसका कोई भी जवाब नहीं है। इन द डार्क ऑफ नाइट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि रात के अंधेरे में। आई हैड टू गो टू बस स्टॉप इन द डार्क ऑफ नाइट येस्टरडे, मतलब कल रात मुझे बस स्टॉप पर जाना पड़ा रात के अंधेरे में। आइडल अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि मजे से बेकार के कामों को करते हुए अपना समय बर्बाद करना या फिर उस समय को आप किसी कीमती काम को करते हुए बिता सकते थे लेकिन बेकार के कामों को करते हुए अपना समय बर्बाद करना। आई आइडल्ड माई टाइम अवे बाय वॉचिंग मूवीज ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना जो कीमती समय था वो बर्बाद किया, क्योंकि उस टाइम पर करने के लिए कुछ भी नहीं था तो अपने समय को मैंने बर्बाद किया या फिर आप बोल सकते हो मैंने अपने समय को मूवीज़ को देखते समय बिताया। स्लिप समबडीज माइंड एक idiom होती है, अगर आपका माइंड किसी चीज़ को स्लिप कर देता है तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज़ को करना भूल जाते हो या फिर उस चीज़ को भूल जाना, इस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे, इट जस्ट स्लिप माई माइंड, मतलब
मुझे माफ़ करें, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया या फिर तुम्हारा जन्मदिन मैं भूल गया, इस बात के लिए मुझे माफ़ करें, ये मेरे दिमाग से निकल गया या फिर इस चीज़ को मैं भूल गया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपने जो कुछ भी नया सीखा मेरे को कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।